सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन की मदद से एक प्रोफेशनल HD YouTube थंबनेल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, पूरा स्टेप बाय स्टेप यहां मैं आपको बताने वाला हूं। तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी बटन आएगा उसको भी दबा करके आप सिलेक्ट कर लेना। तो गाइस, सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ऐप को जो है ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लोगे, यहां पर ओपन करेंगे तो यहां पर कुछ इस तरह का दिखेगा। सबसे पहले इसको डिलीट कर देना है। देन गाइस, इसको डिलीट करने के बाद ऊपर 3 डॉट पे जाना है। यहां पे दिख रहा है इमेज साइज पे क्लिक करना है, यहां पे कस्टम वाला क्लिक करके और यहां पर यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन यहां पे दिखेगा, इस पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। देन गाइस, उसके बाद इस पे आना है और यहां पे कलर वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है। और यहां पर कलर जो है, यहां पे एक है ग्रेडियंट, ठीक है, और एक है कलर। तो अगर आप ग्रेडियंट पे करते हो तो यहाँ पे 2 कलर आता है, और कलर पे केवल करते हो तो यहाँ पे सिंगल कलर आता है। तो यहाँ पे मैं कलर पे क्लिक करके यहाँ पे व्हाइट कलर ले लेता हूँ गाइस। ठीक है, व्हाइट कलर लेकर यहाँ पे ट्रिक पे क्लिक करेंगे सही वाले बटन पे। देन उसके बाद यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है और प्लस पे क्लिक करना है। देन प्लस पे क्लिक करना है, डू टाइप करेंगे यहाँ पे जो लिखा है न्यू टेक्स्ट पे। उसके बाद यहाँ पे इसको हटा देंगे। यहाँ पर आपको जो भी लिखना है, जैसे यहाँ पे मैं HD लिखने वाला होता है, यहाँ पे मैं HD लिख देता हूँ। उसके बाद इसको जूम करना है गाइस। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरह का जूम होगा यह, देन ये सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, पहले तो फॉन्ट वाला क्लिक करके फॉन्ट इसको अच्छा तरीके से बैठा देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक फॉन्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाला फॉन्ट अच्छा है, मैंने इसको ले लिया। अब गाइस, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जाना है बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर। यहाँ पे बैकग्राउंड ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इनेबल कर देना है। देन इनेबल के साथ साथ इसको कलर भी चूज कर लेना, ब्लैक कर देना गाइस। ठीक है, ब्लैक करने के बाद यहाँ पे आप मैनुअली इसको सेट करना। ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड है तो यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसको। देन उसके बाद इसका कॉर्नर जो आप राउंड करना चाहते हैं तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है आपका। ठीक है, ये वाला, इस पर क्लिक करोगे जैसे मतलब बढ़ाओगे तो ये देख पा रहा राउंड हो रहा है, इसका जो कॉर्नर चारों का कॉर्नर राउंड हो रहा है। देन सिलेक्ट सही के निशान पर क्लिक कर देंगे। देन फिर उस पर क्लिक करो, अब फॉन्ट का जो कलर है उसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है, कलर पे जाएंगे, उसको सिलेक्ट करके कलर पे जाएंगे और यहाँ पे कोई भी फॉन्ट कलर ले लेंगे फॉन्ट का। ठीक है, देन फिर आपको प्लस पे क्लिक करना है कुछ और लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर प्लस पे क्लिक करता हूँ, 2 बार क्लिक करता हूँ न्यू टेक्स्ट का और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HD थंबनेल। HD मैंने लिख दिया, यहाँ पे थंबनेल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले। ठीक है, थंबनेल के बाद ओके पे मैं क्लिक करता हूँ। देन ओके पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा इसको, जैसे बड़ा करेंगे। उसके बाद हम बैकग्राउंड पे क्लिक करके इसका बैकग्राउंड जो है आप चूज कर लीजिएगा, बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे आप लगा देना। और इसका भी कॉर्नर आप जो है एक राउंड की तरफ कॉर्नर इसका कर लेना आप। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया लास्ट वाला है ये ऑप्शन, और इसी के हिसाब से आप जिसका चौड़ाई जो भी लंबाई है इसको भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसके बाद फिर ट्रिक पे क्लिक कर देना, इतना सारा कुछ करने के बाद। देन जैसे इतना करने के बाद ट्रिक कर दोगे, फिर आपको फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। इसको सिलेक्ट करके फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जा करके इसको पहले फॉन्ट इसका चेंज कर लेना। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, फॉन्ट पे गया। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला फॉन्ट मैं ले लेता हूँ। फॉन्ट अब लेने के बाद गाइस, अब फॉन्ट का कलर यहाँ पे जाना है, इस पर क्लिक करना और कलर इसका ले लेना है। देन कलर भी इसका ले लें। अब दूसरा हमको ऐड करना है तो फिर आपको प्लस वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा राउंड इसका ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पे फिर आपको प्लस पे क्लिक करना है गाइस, ऊपर प्लस का बटन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे 2 बार फास्ट आपको क्लिक करना है टेक्स्ट न्यू वाले ऑप्शन पे, न्यू टेक्स्ट पे इसको रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे मैं हिंदी लिखने वाला हूँ, इस पर क्लिक करना हूँ और हिंदी मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ। यहाँ पे गाइस कैसे बनाए, यहाँ पे मैं ले लीजिए कैसे बनाए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मैं लिखे ओके पे मैंने क्लिक करा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा, इसको सबसे पहले जूम कर लेता हूँ मैं। जूम करने के बाद यहाँ पे गाइस आपको फॉन्ट पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉन्ट दिखेगा, सिलेक्ट रहेगा तब भी फॉन्ट वाला ऑप्शन आएगा, उसके बाद फॉन्ट लेंगे। ठीक है, जिसका भी मतलब कलर या फॉन्ट चेंज करना है उसको पहले सिलेक्ट करना, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर कलर पे आप क्लिक करना। इसका भी कलर मैंने ले लिया। अब आपको फोटो सिलेक्ट करना है तो फोटो भी यहाँ मतलब फोटो अपलोड करना है इसमें, तो सबसे पहले बीच वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और इमेज पर जाना है आपको। देन यहाँ से आपको गैलरी में से कोई भी फोटो लेना है, 3 लाइन पर क्लिक करके गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से जा करके कोई भी फोटो आप सिलेक्ट करें। यहाँ पर मैंने जैसे इसे लिया, गैलरी गया और गाइस यहाँ पर मैं कोई भी इमेज जो है ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाली मैं इमेज जो है ले लेता हूँ। देन इसको लेने के बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर ट्रिक पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा मतलब छोटा करेंगे। देन इसको मैं कॉर्नर में इसको लगाने वाला हूँ, यहाँ पर मैं कॉर्नर में इसको लगा देता हूँ। देन इतना करने के बाद गाइस अब इस इमेज का मैं बॉर्डर देने वाला हूँ, तो इसके सबसे पहले इस इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे स्ट्रोक वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और इसको इनेबल कर देंगे। देन इनेबल करने के साथ साथ यहाँ पे कलर ब्लैक कर देंगे। ठीक है, कलर ब्लैक वाला कलर इस पर क्लिक कर सही पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके कारण आज मतलब चारों तरफ देखोगे तो यहाँ पर सब ब्लैक ब्लैक दिखेगा बॉर्डर की तरह।
ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे देखने में। तो इतना करने के बाद अब आपको करना है, कोई भी मतलब ऐप का अगर लोगो डाउन मतलब यहाँ पे लगाना है, जैसे मैं अपने पिक्सल ऐप का जो डाउनलोड करा है, सेम जैसे आपने इमेज ऐड किया था सेम उसी प्रकार से इसको भी ऐड कर लेंगे गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे ट्रिक पे क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद यहाँ पे साइड में लगा लेते हैं गाइस, ठीक है। कुछ इस तरह का जितना भी इमेज चाहे उतना लगा सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, तो अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। ऊपर इस पर सेव वाला बटन क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे सेव टू गैलरी का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो गैलरी में ये जो है सेव हो जाएगा। अब ये गैलरी में सेव हो जाएगा, जिससे इसको आप जाकर के यूट्यूब के थंबनेल पर लगा सकते हो, अपलोड कर सकते हो। इस तरीके से गाइस आप ये HD थंबनेल बना सकते हो अपने फोन की मदद से, ठीक है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको और जानना है इस पिक्सल ऐप के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा।